हेलो स्टूडेंट्स, सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आपका इंस्ट्रक्टर प्रदीप कुशवाहा ट्रेड थ्योरी की क्लास लेकर आप लोगों के साथ यहाँ पर आया हूँ। और ये जो क्लास है ये फर्स्ट ईयर के लिए है। और जैसा मैंने आप लोगों को पिछली कक्षा में वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ाया था और माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ाया था। वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर में हमने आपको पढ़ाया था कि किस प्रकार से उसका अल्पतमांक निकाला जाता है और किस प्रकार से उससे रीडिंग ली जाती है। तो उसी अगली कड़ी में जो भी हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, मापन औजारों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज हम पढ़ेंगे मापन औजारों में वर्नियर हाइट गेज के बारे में। वर्नियर हाइट गेज, हाइट जैसे नाम से स्पष्ट है, हाइट HEIGHT, तो हाइट नापने के लिए हम जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं वर्नियर हाइट गेज। हाइट हम स्केल से भी नाप सकते हैं, लेकिन हाइट गेज का इस्तेमाल ज्यादा एक्यूरेसी में, 0.02 mm की एक्यूरेसी में चेक करने के लिए हाइट गेज का इस्तेमाल किया जाता है। हाइट गेज का मैं आप लोगों को चित्र दिखा देता हूँ कैसा होता है हाइट गेज। ये देखिए, इसे हाइट गेज बोलते हैं। इसमें देखिए एक मेन स्केल बना होता है, इसको बोलते हैं मेन स्केल। और इस वाले हिस्से में बोलते हैं वर्नियर स्केल। मेन स्केल और वर्नियर स्केल। और यहां ये जो हिस्सा होता है ये होता है बेस। कोई भी ऊंचाई बेस से ही ली जाती है, बेस से कोई भी ऊंचाई इसके टिप तक। स्क्राइबर ये बना होता है, इसको स्क्राइबर पॉइंट बोलते हैं। इस स्क्राइबर के पॉइंट से लेके बेस की जो भी हाइट होती है वही हाइट ये कैलकुलेट करता है। बेस से लेकर स्क्राइबर के पॉइंट तक चेक करने के लिए स्केल बने हुए हैं। स्केल के माध्यम से हम पता करते हैं कि इसकी हाइट पर्टिकुलर प्लेस पर कितनी है। अब देखिए इसमें क्या है, ABCD दिया हुआ है। ए का ए बीम, बी बेस, सबका चित्र बनाया हुआ है। बी का मतलब बेस, ए का मतलब बीम, बीम मतलब वो बीम का भी काम करता है ना, जो स्केल की छड़ होती है ये होती है, इसकी मोटाई देखो 10 mm के आसपास होती है, तो ये बीम का भी कार्य करती है। उसके बाद मेन स्लाइड और डी जार। मेन स्लाइड मतलब सी, ये जो ऊपर नीचे ये जो हिस्सा है ये स्लाइड होता है, नीचे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, इसको हम स्लाइड कर सकते हैं ऊपर नीचे। और ये देखिए जॉ, इसमें क्या है, स्क्राइबर को फंसाते हैं जॉ में, जिसे हम मार्क करते हैं। ये बहुत ही नुकीला होता है, इससे आसानी से किसी भी मेटल पे खरोंच मारा जा सकती है। तो खरोंच के माध्यम से हम क्या है उस पे निशान लगाते हैं, किसी भी उस पे निशान लगाया जा सकता है। ये होता है इसका बटन, इसके माध्यम से अगर आप स्क्राइबर इसमें लगाते हैं इससे टाइट कर दिया जाता है स्क्राइबर को। स्क्राइबर ध्यान रखिए, जब भी कोई माप लें तो स्क्राइबर को पूरी तरीके से टाइट कर दें, थोड़ा सा भी प्ले होने पे आपकी जो रीडिंग है वो गलत आ सकती है। तो बेस देख लिया आपने, मेन स्केल देख लिया, ये मेन स्केल, ये आपका वर्नियर स्केल। और सूत्र वही लगेगा जो मैंने आपको पहले बताया था कि मेन स्केल पर बने एक खाने का मान लीस्ट काउंट, मतलब अल्पतमांक इसका भी वही होगा 0.02। मेन स्केल पर बने एक खाने का मान मतलब एक, और वर्नियर स्केल पे बने कुल खानों की संख्या मतलब 50। ठीक है, 1/50, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग यही आएगा mm, 0.02 mm इसकी लीस्ट काउंट होती है। फिगर नंबर 4 में देखिए आप लोग, फिगर नंबर 4 में देखिए कि किस प्रकार से हाइट को मापा जाता है। इसमें इसका जो बेस होता है ये काफी थोड़ा भारी रखा जाता है ताकि वो अपनी जगह पर आसानी से खड़ा रह सके
और जो हमारी माप है वो शुद्धता से दी जा सके। और जिस पर रखते हैं ये, इस हिस्से को बोलते हैं सरफेस, सरफेस प्लेट। ये सरफेस प्लेट होती है, इस सरफेस प्लेट पे ही इसको हम आगे पीछे दाएं बाएं किसी भी दिशा में मूव कर सकते हैं। आप चाहे इसको इधर ले जाइए, इधर ले जाइए, किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार हम इसको स्लाइड करते हैं, और जो भी जॉब सरफेस प्लेट पर रखा होता है, जैसे ये जॉब यहाँ पर रखा हुआ है सरफेस प्लेट पर, इस पर मार्किंग करते हैं। मान लीजिए हमें कोई हाइट यहाँ पर दी हुई है, मान लीजिए 50 mm दी है, तो यहाँ से आपको 50 mm जीरो पे सेट करना होगा, और 50 mm सेट करके एक लाइन खींच सकते हैं। तो इसके पैरेलल यही लाइन यहाँ पर खींची जाएगी, जो भी हाइट होती है आप आसानी से इसके पैरेलल कोई भी लाइन खींच सकते हैं। तो पैरेलल लाइन खींचने के लिए, सरफेस प्लेट के पैरेलल लाइन ही खींचने के लिए ज्यादातर काम में आती है। इसकी एक्यूरेसी 0.02 के बराबर होती, मिनिमम होती है, कम से कम। लिस्ट काउंट का मतलब यही होता है ना कि इससे जो सबसे मिनिमम दूरी है वो 0.02 तक हम इससे नाप सकते हैं। तो वर्नियर हाइट गेज का यही इस्तेमाल है कि हम सरफेस प्लेट पे अपने जॉब की मार्किंग कर सकते हैं। आप ये मार्किंग जैनी कैलिपर से भी कर सकते हैं, लेकिन जैनी कैलिपर जो है उतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं देता जितनी की हाइट गेज देता है, हाइट गेज और सरफेस प्लेट। तो एंगल ब्लॉक की सहायता से हाइट गेज और सरफेस प्लेट पे आप बहुत बढ़िया मार्किंग कर सकते हैं। तो आप अगर प्रेफरेंस चाहिए तो जैनी कैलिपर की जगह आप हाइट गेज का ही इस्तेमाल करेंगे। फिगर नंबर दो में देखिए आप सभी लोग, इसमें देखिए कि जो स्क्राइबर है इसका, यहाँ पर जो स्क्राइबर का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसकी स्ट्रेट स्क्राइबर है, स्ट्रेट स्क्राइबर। और एक दूसरा स्क्राइबर होता है ऑफसेट स्क्राइबर। ऑफसेट स्क्राइबर जो होता है वो स्ट्रेट स्क्राइबर से थोड़ा बेहतर कार्य इसलिए करता है क्योंकि कोई हाइट अगर हमें नीचे की लेनी है, जैसे कि मान लीजिए कि आपकी जो बेस सरफेस है यहाँ से शुरू होती है और आपको यहाँ तक कोई हाइट लेनी है, तो आप इससे नहीं ले सकते क्योंकि इसकी हाइट यहां तक मैक्सिमम आएगी, इसकी हाइट मैक्सिमम यहीं तक आएगी, इसके नीचे की माप वो नहीं ले सकता। तो नीचे की माप लेने के लिए, बेस के आसपास का नीचे वाली माप लेने के लिए हम क्या करते हैं, ऑफसेट स्क्राइबर का इस टाइप के, इसको निकाल कर इसको लगा दिया जाता है, ऑफसेट स्क्राइबर का इस्तेमाल किया जाता है वहां पर। ऑफसेट स्क्राइबर डाउन कंडीशन में होता है, देखिए इसको नीचे कर दिया जाता है यहां से, जबकि ये स्ट्रेट होता है यहाँ से। तो डाउन कर देने की वजह से क्या है कि वो आसानी से बेस के आसपास के क्षेत्रों का भी माप आसानी से ले सकता है। और एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि जब भी आप हाइट गेज से कोई भी माप लेते हैं, हाइट गेज से कोई भी माप लेते हैं ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, तो आपको जब आपका जिस नाप पर आप इसको सेट कर लेते हैं, सेट करने के बाद आपको टाइट करना बहुत जरूरी होता है, आपको इसे टाइट कर देना चाहिए। इसको बोलते हैं लॉकिंग स्क्रू, लॉकिंग स्क्रू। यहां पर भी लॉकिंग स्क्रू दिया हुआ है, तो जहां पर भी आपका समायोजन सेट हो जाता है, आप जहां भी एडजस्ट करने के बाद इसको सेट करते हैं स्क्राइबर को, इसको टाइट कर लें, और टाइट करने के बाद ही रीडिंग लें, और टाइट नहीं करेंगे तो ये फिर से ऊपर या नीचे की तरफ सरक सकता है। तो जब एक थोड़ा सा भी अगर ये हिल गया तो क्या होगी, आपकी रीडिंग जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब भी कोई डायमेंशन लें उसके बाद इसको लॉकिंग स्क्रू से टाइट जरूर कर देना चाहिए। टाइट करने से जो रीडिंग है वो एकदम परफेक्ट आएगी। इसकी देखभाल और रख रखाव हमें कैसे करना है कि उपयोग के बाद नियंत्रित तापमान वाले कमरे में स्टोर करें। कोई भी जो सूक्ष्म जो एक्यूरेसी में, हायर एक्यूरेसी में आप मेजरमेंट लेते हैं, उसको हमें क्या करना होता है, 20 डिग्री सेल्सियस तापमान के कमरे में रखना होता है कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसे हम माप लेते हैं। इसे ना गिराएं, इसे मतलब इसे चोट से या झटके से बचा कर रखना चाहिए। बहुत ही माइनर एरर, अगर थोड़ी सी भी इसमें अगर त्रुटि आ गई या एरर आ गई तो नाप में आपको दिक्कत हो सकती है। जिस चीज के लिए इसका उपयोग किया जाएगा फिर वो कार्य वो नहीं कर पाएगा, इसलिए इसका इस्तेमाल भी बहुत ही संभाल कर करना चाहिए। उपयोग से पहले और बाद में उपकरण को साफ करना चाहिए। किसी भी उपकरण को उपयोग करने से पहले और बाद में साफ जरूर कीजिए,
सूती कॉटन का कपड़ा लेके उसे अच्छे तरीके से साफ कर देना चाहिए। उसके बाद क्या है, घूमने वाले नमूनों पर माप ना लें, किसी भी सर्कुलर, जो सर्कुलर सरफेस है ऐसे इस टाइप की, उस पे आपको कभी स्क्राइबर नहीं लगाना चाहिए। इससे क्या होगा, स्क्राइबर आपका खराब हो सकता है और जो माप है वो भी सही नहीं आएगी। अन्य काम करने वाले उपकरणों के साथ ना रखें, इसको क्या है, हमेशा एक विशिष्ट प्रकार की इसकी जो पर्टिकुलर बॉक्स बना होता है उसी के अंदर ही रखें और खड़ी अवस्था में रखें। इसको लिटा कर नहीं रखना है, इसको स्टैंड पोजीशन में रखना है, खड़ी अवस्था में, और दूसरे उपकरणों के साथ नहीं लगाएं। जैसे कि ये जहां पर खड़ा हो अकेले खड़ा हो, इसके अगल बगल कोई दूसरा इक्विपमेंट खड़ा नहीं होना चाहिए, जिससे इसको टक्कर लगेगी तो इसमें एरर आ जाएगी। तो इस बात का भी आप लोग को विशेष रूप से ध्यान रखना है। और मापते समय अगर जो ये इसका जो बेस है अगर वो सरफेस पे अच्छे से मूव नहीं कर रहा है, फंस रहा है मूवमेंट करने में, तो आपको क्या करना चाहिए कि उसकी जो सरफेस है उसको अच्छे तरीके से, क्योंकि उस पे जो है ना मैल जम जाती है, फिर वो मैल क्या है इसको आगे पीछे मूवमेंट करने में दिक्कत करती है। तो थिनर या किसी ऐसे मटेरियल से कपड़े में भिगो के उसको अच्छे तरीके से साफ कर देना चाहिए। उससे क्या होगा, फिर आपका जो ये बेस है वो आसानी से उस पर स्लिप करेगा। तो बेस जितना स्मूथली उस पर रन करेगा सरफेस प्लेट पे, उतना ही अच्छा आप यहाँ से स्क्राइबर से माप ले पाएंगे। तो इसलिए इसका भी बेहतर से रखना है सरफेस प्लेट पे, नॉर्मल और स्मूथ तरीके से रखना है इसका बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो सरफेस प्लेट की और बेस की प्लेट को, निचले हिस्से को हमेशा साफ करके ही रखना चाहिए, ताकि स्मूथली सरफेस प्लेट पे रन कर सके और माप ले सके। अगला जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो है बेवल प्रोटेक्टर। बेवल प्रोटेक्टर, बेवल प्रोटेक्टर का कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है कोणों का मापन करना। किसी भी जॉब में किसी भी एंगल पे अगर हमें कोण को जानना है कि उसकी कोण एंगल कितना है, एंगल मेजरमेंट का काम होता है। एंगल मेजरमेंट हम बेवल प्रोटेक्टर से करते हैं। और जो बेवल प्रोटेक्टर होता है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, वो 5 मिनट तक जो उसकी जो एक्यूरेसी होती है 5 मिनट तक चेक कर सकता है। जैसे 1 डिग्री जो होती है ना, 1 डिग्री, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो उस 60 मिनट में भी जो 5 होता है, 5 मिनट, उस उतनी एक्यूरेसी तक उस एंगल को ये बेवल प्रोटेक्टर चेक कर सकता है। बेवल प्रोटेक्टर के माध्यम से हम 5 मिनट तक का भी एंगल चेक कर सकते हैं। इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, पहले बेवल प्रोटेक्टर का फिगर नंबर 1 में आप बेवल प्रोटेक्टर के चित्र को देख लीजिए अच्छे से कि ये बेवल प्रोटेक्टर है। इसमें क्या क्या होता है पार्ट्स, ये पार्ट स्टॉक, इसको स्टॉक बोलते हैं। उसके बाद स्टॉक के बाद होता है डायल। डायल ये रहा, ये हिस्सा जो सर्कुलर है इसको बोलते हैं डायल। और फिर डायल के बाद होता है ब्लेड। ब्लेड जैसा कि ये दिख रहा है आपको, ये है ब्लेड। उसके बाद लॉकिंग स्क्रू, लॉकिंग स्क्रू बीच में होता है। कोई भी एंगल जब आप ले लेते हैं तो उसको टाइट कर देंगे तो फिर वो उस पोजीशन से हिलेगा नहीं, मतलब वही एंगल जो है वो फ्रीज हो जाएगी। उसके बाद वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग कोणों को मापने के लिए उपयोग किए जाने अलावा टूल, मशीन टूल, वर्क टेबल आदि पर वर्क होल्डिंग डिवाइस स्थापित करने के लिए भी वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग किया जाता है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर किस किस के लिए होता है, एक तो कोणों का मापन करने के लिए, और दूसरा जो होल्डिंग डिवाइस होते हैं उनको स्थापित करने के लिए भी होता है। वो इसलिए होता है कि उस चेक करता है कि वो सही एंगल में सही पोजीशन पे लगा हुआ है या नहीं, जो होल्डिंग डिवाइस है। इसलिए बेवल प्रोटेक्टर के माध्यम से हम उसे भी चेक करते हैं, बेवल प्रोटेक्टर। बेवल प्रोटेक्टर का जो प्रयोग होता है वो 90 डिग्री से कम, कोई भी जो 90 डिग्री से कम कोण है उसे ही चेक करने में किया जाता है। मतलब न्यून कोण, जो 90 डिग्री से कम हो उसे हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण। न्यून कोण को मापने के लिए किया जाता है। 90 अंश से अधिक, जो 90 अंश से अधिक के कोण होते हैं उसको वो मशीन टूल्स, वर्क टेबल आदि पर होल्डिंग करके होल्डिंग डिवाइस के लिए सेट किया जाता है।
बेवल प्रोट्रैक्टर में क्या होता है कि स्टॉक और ब्लेड की सहायता से, स्टॉक और ब्लेड की सहायता से क्या हम क्या कर क्या जांच करते हैं, एंगल चेक करते हैं। स्टॉक को क्या करते हैं, जैसे कि आप इस चित्र में देखिए, फिगर नंबर दो में देखिएगा, जो इसका फिगर नंबर दो है, इसका फिगर नंबर दो में देखिए किसने क्या किया है, स्टॉक को, ये जो स्टॉक है इसकी सरफेस पे टिका दिया है जॉब के एकदम प्लेन, और दूसरे सरफेस पे ब्लेड को लगा दिया है। अब इन दोनों की जो बीच की दूरी है ना, एंगल, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो यहाँ पे हमें दिखाई देगा। अब यहाँ पे जीरो से सामने जो भी अंक आएगा वही हमारा क्या होगा, एंगल होगा। तो हमें ये हो गया बेवल प्रोट्रैक्टर का काम, किसी भी एंगल पे किसी भी सिचुएशन में अगर आपको कोई जॉब का एंगल चेक करना है तो आप इसके द्वारा आसानी से चेक कर सकते हैं। अब जैसे इस केस में हमने देखा, इस केस में हमने देखा कि कैसे स्टॉक और ब्लेड की सहायता से हमने इस जॉब का एंगल पता कर लिया, दो सरफेसेस पे स्टॉक और ब्लेड को लगा दिया और उसके बीच का जो एंगल हुआ वो यहाँ पर दिखा देता है। तो क्या हो गया, यही हमारा बेवल प्रोट्रैक्टर से नाप लेने का जो ये तरीका होता है। और इसका लीस्ट काउंट कितना होता है, 5 मिनट। एक डिग्री में कितने होते हैं, 60 मिनट। तो 5 मिनट तक ये चेक कर सकता है कोई भी एंगल, 5 मिनट तक। और इसका उपयोग बताया था मैंने कि न्यून कोण मापने के लिए होता है, 90 अंश से कम का कोण, 90 अंश से ज़्यादा का कोण नहीं माप सकता। फिगर नंबर 3 में देखिए, ये सही है कि ये सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है और ये सरफेस है। इस दो सरफेस के बीच का अगर आपको एंगल निकालना है तो एंगल निकालने के हमने यहाँ पर इसको रखा, यहाँ पर इसको रखा और यहाँ पर पता लगा लिया इसका एंगल कितना है। तो ये एंगल भी हम चेक कर सकते हैं आसानी से कि एंगल कितना है। मशीन टूल्स वर्क टेबल आदि पर कोणों पर वर्क होल्डिंग डिवाइस सेट करने के लिए, अब जैसे कि मान लीजिए कि आपको ये सरफेस और ये सरफेस 90 डिग्री पे सेट करनी थी, सरफेस ए और सरफेस बी, तो आपने क्या कर दिया, पहले 90 डिग्री अपने इसमें जॉब में फीड कर लिया 90 डिग्री, और फिर इसके बाद दोनों को यहाँ पर लाकर टच करा दिया। तो क्या होगा, ये दोनों क्या एक दूसरे के 90 डिग्री पे सेट हो जाएंगे। तो ये इसने क्या काम किया, यहाँ पर होल्डिंग डिवाइस को सेट करने के काम आता है, किसी दिए गए कोण पे अगर हम इसको सेट करना हो, जैसे जो भी कोण इसको देना था, इसने 90 देना था 90 पे सेट कर दिया, 120 दिया 120 पे सेट कर, कुछ जो भी एंगल देना हो उस एंगल पे हम इसे सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगला है, जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं कि नंबर दो में जो बेवल प्रोट्रैक्टर होता है उसमें एक मेन स्केल होता है, जैसे ये जो हिस्सा बड़ा बड़ा लिखा हुआ है ना, ये है मेन स्केल, मेन स्केल। और ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल। अब इन दोनों में फर्क क्या है, जो ऊपर वाला हिस्सा है वो डिग्री में बताता है कोई भी कोण डिग्री में, जो नीचे वाला है उससे हम मिनट में पता करते हैं, मतलब जो उसका सूक्ष्मतम रूप होता है। एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, मैंने आपको बताया था एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट तो आप डिग्री तो निकाल ले रहे हैं लेकिन मिनट कहाँ से निकालेंगे, तो मिनट उससे छोटी राशि है, उसके निकालने के लिए भी वर्नियर पैमाना होता है। तो इन दोनों पैमानों को मिलाकर ही हम लोग इतने डिग्री इतने मिनट, मतलब हम लोग कोई भी 10 डिग्री 2 मिनट का कोई एंगल निकाल सकते हैं। तो ये होता है मेन स्केल और वर्नियर स्केल का कमाल। अब इसमें मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि इसको हम लोग क्या, ग्रेजुएशन यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर, इसको मापा कैसे जाता है, पढ़ा कैसे जाता है, बेवल प्रोटेक्टर से कोई भी माप पढ़ी कैसे जाती है, ये देखते हैं। अब जैसे नीचे वाला जो हिस्सा है, ऊपर वाला तो मेन स्केल है,
ठीक है। अब नीचे जो वर्नियर स्केल है ना, स्केल ये 5-5 मिनट के दूरी पे बने होते हैं, मतलब एक खाने का मान 5 मिनट होता है। जैसे मैंने बताया कि बेवल प्रोट्रैक्टर की जो लीस्ट काउंट है वो कितनी है, 5 मिनट, मतलब ये मिनिमम 5 मिनट माप सकता है। तो इसके एक खाने का जो मान होता है ना, यहाँ से यहाँ तक इसके एक खाने का मान होता है 5 मिनट, 5 मिनट। और इसके और ऊपर वाले जो खानों का मान होता है, एक एक खानों का मान वो होता है 1 डिग्री। तो ऊपर वाले खानों का मान होता है 1 डिग्री और नीचे वालों का होता है 5 मिनट एक खाने का मान। तो कोई भी डायमेंशन जब मापी जाती है तो पूछता है कि बताइए माप कितनी है। तो मान लीजिए पर्टिकुलर इस केस में अगर आप देखें तो दिखा रहा 42 मिनट, और यहाँ से यहाँ तक आपको नापना है कितने मिनट है, सॉरी 42 डिग्री और कितने मिनट। तो 42 डिग्री तो है यहाँ पर, मिनट कितना है 30, के बाद कितने खाने, 1 2 3 4, 4 5 20, मतलब 30 + 20 कितने हो गए, 50 मिनट। तो 42 डिग्री 50 मिनट, जो ये कोण होगा इस कोण का मान होगा 42 डिग्री 50 मिनट। यहाँ पर देखिए, सॉरी ये 42 नहीं 41, मुझे बारीक बारीक ज्यादा था इसलिए मुझे दिखाई नहीं दिया, ये 41 पे है। तो ये 41 डिग्री 50 मिनट है इसका, ठीक है, 41 डिग्री 50 मिनट। तो बेवल प्रोटेक्टर का इस्तेमाल हमें किस तरीके से करना है वो मैंने आपको बता दिया कि इसमें दो रीडिंग होती हैं अलग अलग, एक तो आपकी होती है मेन स्केल और दूसरी होती है वर्नियर स्केल। मेन स्केल और वर्नियर स्केल के वर्नियर स्केल दोनों के कॉम्बिनेशन से हम क्या करते हैं, कोई भी रीडिंग को निकालते हैं। मेन स्केल ये 41 है, यहाँ पर 41 है, मुझे 42 बारीक थी इसलिए मुझे दिखाई नहीं दिया, एक खाना 41 डिग्री है। उसके बाद अब मैंने आपको यहाँ पर इसका यूज करना भी बता दिया, इसको कैसे इस्तेमाल किया था। ये देखिए स्टॉक है, ये ब्लेड है, इन दोनों की मदद से जो एंगल बन रहा है वो एंगल हमें यहाँ से ज्ञात हो जाता है इस रीडिंग से। तो हमने क्या सीखा कि जो रीडिंग है हमें किस तरीके से लेनी है, इन रीडिंग लेते समय हमें जो इसका मुख्य स्केल का जीरो है और जो वर्नियर स्केल का जो जीरो है, दोनों जीरो के बीच में जो वेरिएंस है, तो इनके जीरो के बीच में यहाँ से यहाँ तक गिरेंगे आप, इस जीरो के ठीक सामने कितना 41 है, तो यहाँ पर इसने लिख दिया 41। और फिर इस जीरो से लेकर कौन सा खाना, ये जो नीचे वाली लाइन है कौन सी लाइन ऊपर वाली लाइन से सटीक मैच कर रही है, तो ये वाली लाइन अगर सटीक मैच कर रही है तो कौन सी लाइन है, कितने डिग्री पर है। एक खाना अगर 5 मिनट का है, 30 35 40 45 और 50, ये हो गया 50। तो 41 डिग्री 50 मिनट ये कोण हो गया। किसी भी अधिक कोण का मापन करने के लिए रीडिंग जो लेने का तरीका होता है, अधिक कोण अगर लेना हो 90 से ज्यादा, तो उसमें क्या करना होता है कि रीडिंग लेने का प्रोसेस सेम होता है, आपको सेम उसी तरीके से रीडिंग लेनी है और जो भी रीडिंग आई है उसको 180 से घटा देना है। इसने देखिए जैसे देखा कि 22.5 डिग्री है, जीरो से लेके इस जीरो तक जो है मान है वो 22.5 के आसपास है, 22 डिग्री है, 22 डिग्री 30 मिनट, उसका 22 डिग्री 30 मिनट आया, उसने क्या किया 180 से माइनस कर दिया, तो 157 डिग्री 30 मिनट क्या है इसका मान आ जाएगा। तो कोई भी अधिक कोण अगर ज्ञात करना है हमें, तो जो भी मान आ रहा है उसमें से हमें 180 को उससे 180 से घटा देना है, बस यही करना है दोनों में। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की देखभाल और रखरखाव, उपयोग करने से पहले बेवल प्रोटेक्टर को साफ कर लें, कोण माप के अनुसार ब्लेड को स्थानांतरित करने के लिए डायल के लॉकिंग स्क्रू को ढीला करें, माप लेते समय वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर पर हल्का दबाव डालें, भारी दबाव दो तराजू के समानांतर से बाहर कर देगा और गलत रीडिंग दिखाएगा।
बहुत ज्यादा दबाव से क्या होगा कि जो रीडिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए बहुत ज्यादा अधिक आवश्यकता से अधिक दबाव नहीं लगाना चाहिए। और इसका उपयोग करने के बाद इसे अच्छे तरीके से साफ कर लें और इसे सुरक्षित स्थान पे तेल की हल्की सी परत लगाकर पतली परत रख देना चाहिए। तो ये हो गया आपका बेवल प्रोटेक्टर, बेवल प्रोटेक्टर के बारे में आपको बता दिया गया। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, अभी तक हमने बेवल प्रोटेक्टर के बारे में पढ़ा, हाइट गेज के बारे में पढ़ लिया, हाइट गेज, बेवल प्रोटेक्टर। अब हम अगला पढ़ने वाले हैं डायल गेज, डायल गेज कैलिपर, डायल कैलिपर जिसको बोलते हैं, डायल कैलिपर, डायल कैलिपर। वर्नियर कैलिपर की तुलना में डायल कैलिपर के लाभ बताएं। इसमें हम लाभ जानेंगे कि वर्नियर कैलिपर की जगह डायल कैलिपर क्यों इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके विशेषताएं क्या हैं और इसको पढ़ा कैसे जाता है, ये तीन चीजें इसमें हम पढ़ेंगे। डायल कैलिपर का चित्र अब आप लोग ध्यान से देखिए। डायल कैलिपर ये वर्नियर कैलिपर की तरह ही होता है, ये जो डायल कैलिपर होता है ये वर्नियर कैलिपर की तरह ही होता है, बस वर्नियर स्केल की जगह पर यहाँ पर एक डायल गेज लगा होता है। डायल गेज जहां पर वर्नियर स्केल होता था पहले वर्नियर कैलिपर में, वहां डायल गेज लगा होता है। अब अगर आप देखेंगे इस डायल गेज का अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि इसका जो पूरा खाना है इसमें कितने खाने टोटल बने हुए हैं, छोटे छोटे, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, टोटल 100 खाने इसमें बने होते हैं। और 100 खानों में प्रत्येक खाने का मान 0.05 mm होता है। अब प्रत्येक खाने का मान अगर 0.0 mm है तो 100 खाने हैं इसमें, 0.05 में गुड़े 100 का भाग दे दें, गुणा कर देंगे तो 5 mm। इसका मतलब ये है अगर ये सुई यहां से लेके यहां तक पूरा एक चक्कर लगा दे तो ये 5 mm होगा। जब आप इसको स्लाइड करेंगे ना, इस वर्नियर कैलिपर को आगे और पीछे की तरफ स्लाइड करेंगे, मान लीजिए आप इसको इधर चला रहे हैं, खोल रहे हैं, तो अगर ये सुई एक चक्कर पूरा घूम गई, समझ लीजिए कि 5 mm पूरा यहाँ पर कवर कर चुकी है डिस्टेंस। एक तो एक खाने का मान 0.05 है, तो इसी हिसाब से हमें देखना है। इसमें देखिए कि जैसे ये कोई वस्तु हमने इनके बीच में रख दी और इसे चेक करने के बाद ये ऐसी सिचुएशन आ गई है, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले कि आपको रीडिंग देखनी है यहां तक, कि इसमें आखिरी रीडिंग कितनी आ रही है, जो ये आखिरी दिख रहा है यहाँ पर वो कितना आ रहा है। अब प्लस इसमें क्योंकि इसके एक खाने का मान, तो अब ये सुई जहां पर भी आकर रुकेगी, मान लीजिए यहाँ आके रुकी है, तो जितनी भी खाने हैं, मान लीजिए यहाँ पर 35, 36, 37 खाने आ गए, तो 37 × 0.05 से गुणा कर देंगे, जो भी आएगा उसको इस वाली रीडिंग से जोड़ देंगे, तो टोटल रीडिंग हमें प्राप्त हो जाएगी। अब जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग को दिखाया जा रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देखेंगे ना कि जो डायल गेज है, डायल गेज में गेज और मेन स्केल दोनों के कॉम्बिनेशन से रीडिंग कैसे निकाली जाती है। अब मान लीजिए ये तो मेन स्केल हो गया, मेन स्केल हो गया और ये डायल गेज हो गया। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें कोई निकालनी है। फिगर 2 में देखिए, फिगर 2 देखिए आप, इसमें निकालने का तरीका बताया गया है। इसमें दिखा दे रहा है कि एक है यहाँ, एक है और 2 है, और 2 से थोड़ा सा आगे जगह खाली है, लेकिन कितनी है हमें नहीं पता। अब ये हमें ये सॉरी 1, 2 और आधा लगभग 25 पर है, 2 पॉइंट मतलब 25 mm इसमें यहाँ पर दे रखा है भाग, बाकी हमें सुई के मतलब निर्देशों के अनुसार मान निकालना होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है।
तो यहां से यहां तक तो हो गया 25 mm जिसको हमने यहां पर लिख लिया। उसके बाद यहां से यहां तक देखिए 20 4 24, 24वां खाना मैच कर रहा है, तो 24 में 0.05 से गुणा कर दिया तो 1.2 mm आ गया। मतलब यहां से यहां तक जो सुई है 1.2 mm की दूरी तय कर रही है। तो 25 में हम क्या करेंगे, 1.2 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 26.2। मतलब जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की वो है 26.2, ये वाली 26.2। यही तरीका है। अब यूज करने से पहले आपको देखिए किस किस चीजों का ध्यान देना होता है। उपयोग करने से पहले डायल गेज को एक मुलायम कपड़े से साफ कर लें। स्वतंत्र रूप से स्लाइड करने के लिए डायल कैलिपर के बीम, रैक और पिनियन पर तेल की एक बूंद, छोटी बूंद गिरा दें। मतलब ये जो स्लाइडिंग पार्ट है जो आगे पीछे मूव कर रहा है, कम से कम इस पर एक थोड़ा सा ऑयलिंग ग्रीसिंग कर देनी चाहिए ताकि प्रॉपर स्मूथ तरीके से चल सके। डायल कैलिपर के अंशांकन की जांच करें और सुनिश्चित करें कि ठीक से काम कर रहा है। कभी कभी डायल गेज सही से काम नहीं कर रहा होता, वो उसकी सुई प्रॉपर तरीके से अगर हम आगे पीछे कर रहे हैं तो घूम रही है कि नहीं, तो ये भी आपको चेक करना चाहिए कि 5 mm एक बार डिस्टेंस नाप लीजिए और उसे पीछे करके देखिए तो क्या वो 5 mm एक चक्कर घूम रही है कि नहीं घूम रही है। अगर घूम रही है तो मतलब ये सही है। डायल कैलिपर का उपयोग करने के बाद इसे एक सूखे कपड़े से पोंछ लें और फिसलने वाले हिस्सों पर तेल की परत पर लगाएं और सुरक्षित स्थान पर रख दें। इसका मतलब यही है कि इस पर इसको कपड़े से साफ करके एक साफ सुथरी सूखे स्थान पर अच्छे तरीके से रख देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म डायमेंशन को मापता है, बहुत ही छोटी छोटी डायमेंशन को मापता है, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो डायल गेज इंडिकेटर हमने पढ़ लिया कि इसमें टोटल 100 खाने होते हैं, 100 खानों में एक खाने का मान 0.05 होता है, इसमें हम 100 का गुणा कर देते हैं तो टोटल एक चक्कर में 5 mm की दूरी ये तय करता है, 5 mm की दूरी ये तय करता है टोटल एक चक्कर में। ठीक उसी प्रकार इसकी रीडिंग भी मैंने आपको बता दी कैसे निकाली जाती है। यहाँ पर 25 तक की रीडिंग आई थी मेन स्केल की, उसको हमने नोट कर लिया। उसके बाद कितने खाने सुई आगे गई है, 24 खाने गई थी, तो इस 24 में गुणा कर दिया जाएगा 0.05 का, जो भी मान आएगा 25 + 1.2 = 26.2। इसी तरीके से आप लोग को ये काम करना है, आप लोग भी रीडिंग निकालेंगे। डायल गेज क्या होता है कि ये वर्नियर से भी तेज रीडिंग निकाल सकता है। वर्नियर कैलिपर में आपको क्या होता है कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल के खानों को मिलाना पड़ता है, फिर उसमें 0.02 का गुणा करना होता है। इसमें क्या डायरेक्टली आपको सामने पता रहता है कि कितने खाने तुरंत आप उससे मिलान कर सकते हैं। तो ये जो वर्नियर है ये थोड़ा फास्ट काम करता है, जो नॉर्मल एनालॉग वर्नियर कैलिपर होता है उससे तेज काम करता है। अगला है डिजिटल कैलिपर। डिजिटल कैलिपर क्या है, जैसा मैंने कल आपको डिजिटल माइक्रोमीटर दिखाया था उसी तरह ये डिजिटल कैलिपर यूज होता है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस बीच में जो वस्तु रखनी है उसे मापना है, उसको जैसे ही आप मापेंगे यहाँ पर उसकी रीडिंग आ जाएगी। mm में, इंच में, आप किसी में भी सेटिंग कर सकते हैं। mm में चाहिए तो mm में आ जाएगी, इंच में चाहिए तो इंच में रीडिंग आ जाएगी। तो इसमें ये बिल्कुल एफर्टलेस काम है। इसमें बस जॉ के बीच में आपको अच्छे तरीके से वस्तु को फंसाना होता है और फंसाने के बाद इसको लॉक कर देना चाहिए। लॉक करने के बाद फिर रीडिंग पढ़नी चाहिए। लॉक कर देने से क्या होगा, ये रीडिंग आगे पीछे, मतलब ये जबड़ा है आगे पीछे मूव नहीं करेगा तो रीडिंग आपकी एकदम सही आएगी। बाहरी सतह की जांच करने के लिए हमें इस जबड़े का इस्तेमाल करना है और आंतरिक सतह की जांच करने के लिए इस जबड़े का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। और गहराई नापने के लिए डेप्थ बार, ये इसको हम बोलते हैं डेप्थ बार, गहराई नापने के लिए। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसकी सहायता से कैसे हम गहराई नापते हैं, इसकी सहायता से कैसे हम बाहर अंदरूनी माप लेते हैं और इसकी सहायता से कैसे बाहरी माप लेते हैं। तो इस टोटल वीडियो में आपको टोटल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया गया कि हमें कैसे मेजरमेंट लेना चाहिए। हमने हाइट गेज के बारे में पढ़ा, बेवल प्रोटेक्टर के बारे में पढ़ा, वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ा, डायल गेज कैलिपर के बारे में पढ़ा। तो आई होप
आप लोग समझ गए होंगे और अच्छी तरीके से समझ भी आ रहा होगा कि हमें अगर ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मिल जाए तो हमें कैसे चेक करना है। कुल मिलाकर आप लोगों को अल्पतमांक यानी कि लीस्ट काउंट आप लोगों को पता होना चाहिए किसी भी वर्नियर कैलिपर का, तभी आप कोई माप निकाल पाएंगे। उसका सूत्र पता होना चाहिए, बहुत आसान होता है। वर्नियर कैलिपर का मैंने आपको सूत्र बताया भी था कि मेन स्केल पर बने खाने का मान बटा वर्नियर पैमाने पर बने कुल खानों की संख्या ही उसका लिस्ट काउंट होती है। तो अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ताकि हम उसको अगले वीडियो में आपको विस्तार से अच्छे से समझा सके। और इस वीडियो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी स्टडी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।